हेलो दोस्तों, मोबाइल ट्रिक सपोर्ट चैनल पर आप सब लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा वोडाफोन पर कैसे आप अपनी एम पिन को कैसे रीसेट कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, एम पिन वो होता है जो मतलब रिचार्ज ट्रांजेक्शन वगैरह करने का टाइम में दोस्तों हमको जो पासवर्ड का जो ज़रूरत होता है उसी को दोस्तों एम पिन कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, उसको कैसे चेंज करें, जैसे कि दोस्तों आपको बहुत पुरानी हो गई है पुरानी एम पिन को, तो उस टाइम दोस्तों आपको तुरंत उसको चेंज करना ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों अगर आपको ये एम पिन किसी के हाथ लग जाए तो आपका बहुत नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको सेफ रहना है, इसके लिए आपको ये एम पिन को चेंज करना है, ठीक है। तो दोस्तों, उसको कैसे चेंज करें और कैसे एक नई एम पिन क्रिएट करें, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा दोस्तों, अगर आपको ये जानना है तो मेरे साथ बने रहे और वीडियो को प्लीज एंड तक का देखते रहिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक आपने इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को बजा दीजिए और आने वाली नई वीडियो की मजा लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आप अपनी वोडाफोन कनेक्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए और उसके बाद में आपको जाना है, ये प्रोफाइल के एक आइकन मिलेगा, उसी आइकन पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद में आपको दोस्तों इस साइट में मिलता है चेंज एम पिन, उस पर आपको क्लिक करना है और सबसे ऊपर वाला में दोस्तों आपको दिखा दे रहा है इंटर करेंट पिन। आपको करना क्या है, आपका जो पहला वाला जो पिन है उसी पिन को उसमें डालना है और फिर आपको इंटर न्यू पिन, आप कौन सा वाला नई पिन लगाना चाहते हैं अभी फ़िलहाल उसी पिन को आपको इस्तेमाल करना है। जैसे कि मैं नई पिन लगा देता हूँ और फिर आपको री पिन डालना है, तो मैंने डाल दिया। उसके बाद में आपको सबमिट में क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, आप देख पा रही है योर एम पिन हैज़ बीन सक्सेसफुली चेंज, ठीक है। तो ये दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल से और बहुत ही आसानी से अब आप अपनी वोडाफोन का एम पिन को चेंज कर सकते हैं।